मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम। आपको बता दें कि मुम्ब्रा शहर से खास तौर पर साउथ अफ्रीका के लिए दौड़ लगाने के लिए डॉक्टर अशित इनामदार जो है वो जा रहे हैं। कहीं ना कहीं मुम्ब्रा शहर के लिए ये बड़े ही गर्व की बात है और कहीं ना कहीं हिंदुस्तान का नाम रोशन करने के लिए, दौड़ लगाने के लिए मुम्ब्रा शहर से पहली बार शायद डॉक्टर अशित इनामदार जा रहे हैं। हम उन्हीं से बात करेंगे। आप साउथ अफ्रीका जा रहे हैं वहाँ पर मैराथन में दौड़ लगाने के लिए, क्या बताना चाहेंगे इसके बारे में? आप मुम्ब्रा शहर में भी आपकी काफ़ी तारीफ है कि आप काफ़ी लंबा दौड़ लगाते हैं, तो क्या बताना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर असीर इनामदार। छः जून को मैं इंशाल्लाह साउथ अफ्रीका जा रहा हूँ। 11 जून को साउथ अफ्रीका में होने वाली कॉमरेड्स मैराथन, जो अल्ट्रा मैराथन रहती है, अल्ट्रा मैराथन उसको कहते हैं जो 42 किलोमीटर से ज़्यादा रहती है, उसके अंदर मैं पहली मर्तबा पार्टिसिपेट करने के लिए जा रहा हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मुम्ब्रा से मैं पहला ही आदमी जो पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, आगे इंशाल्लाह बहुत सारे लोग करते जाएंगे। ये पूरे वर्ल्ड के अंदर की सबसे पुरानी, सबसे मतलब ज़्यादा दिनों से चलने वाली, जो अभी 100 साल की होने वाली, कोविड की वजह से 100 ईयर्स कम्प्लीट नहीं कर पाए वो लोग, नहीं तो इस साल ही होते थे। 2027 में ये 100 ईयर्स कम्प्लीट करेंगे। तो ये बहुत अजीबोगरीब ये मैराथन है। ये फ्लैट, इसका रूट फ्लैट नहीं है, ये पहाड़ों के अंदर जो है तो पूरा ये रूट इसका पूरा पहाड़ी से होता हुआ जाता है। कहीं पे चढ़ाई है, कहीं पे जो है तो उतार है, स्लोप है। ऐसी जगह पे जहाँ टोटल 5 हिल्स जो है तो वहाँ पे है, और ये 5ों हिल्स चढ़ना भी है हर रनर को और उतरना भी है। और हर तरफ जो मैराथन होती है उसके अंदर आदमी एक बार स्टार्ट लाइन से निकल गया तो उसको फिनिश लाइन पे आके रुकना पड़ता है। लेकिन ये दुनिया की अजीब मैराथन है कि इसके अंदर 5 कट ऑफ दिए है। तुम अगर वो कट ऑफ टाइम पर, वो 5 कट ऑफ पर अगर नहीं पहुंचते तो वहाँ पे आपको जो है तो वापस किया जाता है। इसलिए इसकी बहुत अहमियत रहती है कि आदमी को अपनी एनर्जी भी बचा कर रखना है और साथ में स्पीड में भी जो है तो भागना है, अपना स्पीड मेंटेन करते हुए उसको ये मैराथन पूरी करना पड़ता है। समय भी होगा जो वहाँ पर पहुँच, हाँ, मिनिमम 12 घंटे में ये 90 किलोमीटर्स की ये मैराथन है। और 12 घंटे के अंदर, मैक्सिमम 12 घंटे तो तुम ले सकते, उससे कम टाइम में आपको ये मैराथन कंप्लीट करना रहती है। और उसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ट्रेनिंग चल ही रहा है। सतीश गुजरन सर जो आज तक 11 मरतबा उन्होंने ये मैराथन की है इंडिया से, वो मेरे कोच है। और अभी तक मैं 65 किलोमीटर जो तो आज तक भाग चुका हूँ, 65 किलोमीटर एक ही स्टार्ट में। तो अभी आपको जिस तरह से आप वहाँ जा रहे हैं 90 किलोमीटर की ये दौड़ बता रहे हैं, और जिस तरह से आप रास्ता बता रहे हैं कि काफ़ी पहाड़ी इलाका, उखड़ खाबड़ जगह है, तो आपको क्या लग रहा है किस तरह से काफ़ी चैलेंजिंग ये होगा आपके लिए वहाँ पर? ये वहाँ का क्लाइमेट एक चैलेंजिंग है और ये रूट एक चैलेंजिंग है। सबसे पहले तो डिस्टेंस मेरे लिए चैलेंजिंग है, 90 किलोमीटर्स भागना ये बहुत बड़ा चैलेंज रहता है, और फिर पहाड़ी के ऊपर भागना, फिर स्लोप के ऊपर भागना, तो उसके लिए एक अलग प्रैक्टिस रहती है। तो जो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जो मैं पिछले 3-4 महीने से उसके प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो यहाँ पे जो है तो फ्लाईओवर्स पे भागना, और साथ में यहाँ पे अलग अलग लोनावला के अंदर हिल रन किया हूँ मैंने, यहाँ पे येऊर के अंदर हिल रन के लिए जाते हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, और उसके बाद पूना के अंदर लवासा, चांदनी चौक से लवासा यहाँ तक का हमने रन किए। वहाँ पे भी जो है तो तकरीबन 1100 स्क्वायर फीट, 1100 मीटर की जो ऊंचाई थी, इतने ऐसी ऊंचाई जो है तो वहाँ पे भी है, 1200 मीटर तक का पूरी ऊंचाई है। अच्छा, आपकी उम्र कितनी है? काफ़ी जो है इस उम्र में भी इतना दौड़ लगाना, ये कहीं ना कहीं जो है नामुमकिन लग रहा है, लेकिन आप जिस हिसाब से बता रहे हैं नामुमकिन को भी मुमकिन कर रहे हैं आप। मेरी उम्र अल्हम्दुलिल्लाह 58 कम्प्लीट हुई है, 59 चल रही है। और अपने आप को फिट रखने के लिए मैंने रनिंग शुरू किया था, और मैं लोगों को इस ज़रिए जो है तो मैं लोगों को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि एज इज़ जस्ट नंबर, सिर्फ वो एक नंबर है। आदमी कोई भी उम्र में अपने आप को फिट रख सकता है। मैंने 53 ईयर्स में, मैं जब 53 साल का, उसके बाद मैंने रनिंग शुरू किया, और ख़ासतौर से मेरे सब दोस्त लोग जो मेरे पीछे खड़े हैं, इन्होंने मेरे शुरू से साथ दिए, इन्होंने मेरी हिम्मत अफजाई किए। मेरी पहली रन मेरे को आज भी याद है, मैं 18 जुलाई 2019 में, हम लोग रात के 3 बजे यहाँ से निकले थे, और बोरीली में मैंने
पहली मरतबा 10 किलोमीटर किया था। उसके पहले मैंने ज़िंदगी में सोचा भी नहीं, मतलब कभी ख्वाब भी नहीं देखा था कि मैं 10 किलोमीटर कर पाऊँगा। मेरे लिए 100 मीटर भागना भी बहुत मुश्किल था, लेकिन अल्लाह करम है कि दोस्तों का साथ और मेरे को लोगों की दुआएं सबको मिलती रही और मैं मेहनत करता रहा, और इसी तरह से जो है तो मेरे धीरे 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 जो तो मेरा माइलेज बढ़ता चला गया। आप लोग भी इनके साथ में है, दोस्त हैं, क्योंकि आप लोगों से ही इनको काफ़ी हौसला अफजाई मिलता है। कहीं ना कहीं 6 तारीख को जाने वाले हैं, ये क्या बताना चाहेंगे आप? अस्सलामुअलैकुम। डॉक्टर असीर सर के साथ तो हम लोग की दोस्ती बहुत पहले की है, बहुत पुरानी है, मगर मैराथन जब से इन्होंने शुरू किए, हम लोग ने इनके अंदर जो डेडिकेशन देखे, शायद ही हमने, मैंने तो अपनी लाइफ में किसी के अंदर इतना डेडिकेशन नहीं देखा कि 3 या 4 साल हुए होंगे, मगर उन्होंने इतने जी वो जो इतने मेडल्स जीते, इतनी ट्रॉफीज़ जीती, इतने मैराथन्स जीते, आज मुमरा में शायद ही कोई होगा जो इनको नहीं जानता होगा। आप कहीं पे भी जाओ, स्टेडियम पे जाओ, कहीं पे भी जाओ, डॉक्टर असीर सर को शायद ही कोई होगा जो नहीं जानता होगा। वो सब पूरा मतलब क्रेडिट इन्हीं को जाता है। बीच में 21x21 की इन्होंने रन किए थे, 21 दिन लगातार 21 किलोमीटर भागे थे। उसमें पता चला था कि इनकी पोती की तबीयत भी रात में ख़राब हुई थी, उसको ट्रीटमेंट करके 3 बजे तक जाग के फिर सुबह उठ के इन्होंने रन किए। ये सब देखकर ऐसा लगता है ना कि ये कोई भी किसी के लिए भी पॉसिबल चीज़ नहीं है, मगर इन्होंने उसको पॉसिबल करके दिखाया। हम लोग की दिली ख्वाहिश है कि ये जाए साउथ अफ्रीका और जीत कर आए, रन कंप्लीट कर आए, और आगे भी ये बहुत तरक्की करें। इनके वजह से हमारा नाम ऊंचा हो रहा है, हमारे को लोग जानते हैं कि ये हम के दोस्त हैं, शहर का भी नाम, हाँ, और हमारे शहर का भी नाम हो रहा है। तो हम ये चाहते हैं कि ये ज़्यादा से ज़्यादा रन करें और अल्लाह इनको ताकत दे और कामयाबी दे। देखो, डॉक्टर आसिर को मैं आई थिंक 30 साल से जानता हूँ, मतलब हमारी बहुत पुरानी दोस्ती, और हम लोग ने स्पोर्ट्स साथ में शुरू किए, लेकिन उस वक्त जो था इनका स्पोर्ट्स में बिल्कुल रुझान नहीं था, और मैं इनको खुद रनिंग को लेके जाता था तो वो 100 मीटर भी नहीं दौड़ पाते थे। जब फर्स्ट टाइम मैराथन हुई थी 3 किलोमीटर, तो वो खड़े थे और मैं भाग रहा था 3 किलोमीटर, वो 100 किलोमीटर नहीं भाग रहे थे। उनका जो डेडिकेशन है, हार्डवर्क है और पंक्चुअलिटी, यानी सर्दी हो, बारिश हो, गर्मी हो, वो दौड़ते हुए दिखे। वो जो डेडिकेशन, हार्डवर्क आज काम आ रहा है, और वो जो एक कॉमन मैन था आज इतना बड़ा अल्ट्रा मैराथन रनर बन गया। तो ये इनके बहुत ही एक अचीवमेंट है, बहुत बड़ा अचीवमेंट है। हमारी दिल से दुआ है कि और तरक्की करे, हमारा भी नाम हो, मुमरा का नाम हो, समझे, और देश का भी नाम रोशन हो रहा है। तो आपने सुना कि किस तरह से जो डॉक्टर असीर इनामदार है, ये साउथ अफ्रीका जा रहे हैं और 90 किलोमीटर की वहाँ पर दौड़ है, और यही दुआ है, यही उम्मीद सारे यार दोस्त लगा कर रखे हैं कि ये जीत कर आएँ और अपने शहर और अपने देश का नाम जो है रोशन करें।